गर्मियों के दिनों पर जहाँ मेथी, धनिया, पालक, मटर को या फिर अन्य सब्जियों को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है, तो यदि आप मक्के के साथ इन 5 सब्जियों को उगाते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं दोस्तों, यदि मक्के की फसल थोड़ा कम हाइट की है उसी समय या फिर मक्के के साथ आप इन फसलों को, इन सब्जियों की बुआई कर देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन सब्जियों का, इन फसलों का जो रेट है वो नॉर्मल सीजन या फिर एवरेज सीजन की तुलना पर जो रेट हैं लगभग 4 से लेकर 8 गुना ज़्यादा रेट देखने के लिए आपको मिल सकते हैं या फिर आपको बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। यानी मक्के से आपको उत्पादन तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा यानी आधा फिट गैप को और बढ़ा दीजिए, लान से लान की दूरी वहाँ पर आप बुआई कर दीजिए, छटका विधि से धनिया की बुआई कर दीजिए। बात करेंगे कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकती हैं जो कि मक्के के साथ साथ आप स्वीट्स कॉर्न के साथ साथ दोस्तों आप इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, और इस चैनल पर एग्रीकल्चर संबंधित है अलग अलग दवाइयों की जानकारी, अलग अलग खादों की जानकारी, अलग अलग एडवांस फार्मिंग और नई नई फसलों की जानकारी हम अपलोड करते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे फ्री में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उस वीडियो को आप वॉच करके एग्रीकल्चर, खेती में, फार्मिंग में जो एक्टिविटी है, जो भी नॉलेज है आप तक यदि पहुंच पाएगा तो आप कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, फसलों में लगने वाले रोग बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, लागत को कम कर पाएंगे और आमदनी को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। काफ़ी दिनों से किसानों ने कमेंट किया कि क्या हम मक्के के साथ कौन कौन सी फसलों को ग्रो कर सकते हैं, लगा भी रहे हैं तो कौन सी फसलों को लगाएँ जिसमें आमदनी अच्छी देखने के लिए मिले। तो मक्के के साथ आप, कॉर्न के साथ, माइज के साथ आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पर हमने जो फसल रखी, जो सब्जी रखी है, वो रखी है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ, धनिया को आप लगा सकते हैं मक्के के अंदर, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब देखिए, धनिया एक ऐसी फसल है गर्मियों के दिनों पर ऊपर से पत्ते जलने लगते हैं, जहाँ बात आती है 35, 36, 38, 40 डिग्री सेल्सियस की, वहाँ पर सभी फसलें हाथ खड़े कर देती हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि गर्मियों के दिनों पर धनिया को ग्रो करना बहुत ही बड़ा काम माना जाता है या फिर बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती माना जाता है। लेकिन आप एक बात लिख कर रख लीजिए दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर जहाँ सर्दियों के दिनों पर रेट धनिए के 5 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है, वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों गर्मियों पर, तो धनिया का जो रेट है वो आसमान छू रहे होते हैं। यानी 80 से लेकर लगभग 90 रुपये, 100 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। यानी 100 रुपये भी देना है और धनिया भी हरी भरी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन पर हरी भरी धनिया की हार्वेस्टिंग करने के लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि देसी गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं जिप्सम, मात्र 20 किलोग्राम जिप्सम और 10 किलोग्राम सरसों की खली प्रयोग कर ली बुआई के समय, तो यकीन मानिए दोस्तों धनिया हरी भरी रहेगी। तो धनिया की खेती आप कर सकते हैं, बेस्ट वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं, इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में मात्र 4 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी चाहिए। इन इम्पोर्टेड वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं, रिसर्च वेराइटी को भी लगा सकते हैं, और साथ ही देसी वेराइटी, देसी धनिया की खेती भी आप कर सकते हैं। धनिया बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। अब मक्के से फ़ायदा तो होने ही वाला है, और यदि आप धनिया को भी, क्योंकि धनिया आसानी से ग्रो हो जाएगी, छायादार, मीडियम छाया रहेगी, और सिंचाई आप हल्की हल्की करते रहिए, जो खाद मक्के पर दे रहे हैं जहाँ सिंचाई कर रहे हैं, तो धनिया ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो धनिया की खेती आप मक्के के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मूली की खेती। गर्मियों के दिनों पर सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा डिमांड मूली की ही रहती है, तो मूली की खेती, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर हाइट जो रेट हैं वो उछाल ले लेते हैं, 10 रुपये की 2 मूली देखने के लिए हमको रेट मिलता है। यानी रेट बहुत अच्छे हैं और गर्मियों के दिनों पर ग्रो नहीं हो रही है, बीमारी लग रही है। मूली खेती कैसे करना चाहिए, डिटेल्स जानकारी चैनल पर उपलब्ध है, विजिट कर सकते हैं। बाकी आप मूली की खेती मक्के के अंदर इंटर क्रॉपिंग में करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा, आमदनी अच्छी होगी और आसानी से फसल ग्रो भी ले लेगी, यानी मक्के के अंदर आसानी से बढ़वार ले लेगी। तो मूली की खेती आप अवश्य करें। इसके अलावा मटर की खेती दोस्तों, सर्दियों की मेन फसल मानी जाती है मटर। गर्मियों में ग्रो करना या फिर ग्रो करने के बारे में भी सोचना बहुत बड़ी बात होती है,
तो कहने का मतलब ये है कि छायादार स्थानों में, क्योंकि पत्तों की छाया रहेगी, ठंडक बनी रहेगी, नमी के साथ साथ ठंडक के साथ साथ आसानी से मक्के के पत्तों के नीचे नीचे मटर की फसल तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं मक्के की फसल बहुत ज़्यादा बढ़वा ले ली, अब हम इसमें मटर की बुआई करेंगे। तो जब आप मक्के की बुआई के समय ही दोस्तों आपको मटर की खेती करना है, यानी मक्के की जब बुआई कर रहे हैं उस समय मटर की बुआई आप कर सकते हैं, तो आने वाले समय पर आपको काफ़ी हद तक बढ़िया पैदावार मिल जाएगी। तो मक्के के साथ आप मटर की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की उन्नत खेती, सर्दियों के दिनों पर यही वो फसलें हैं जो सीधे या फिर आसानी से बिकती नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर अभी नर्सरी डालकर, नर्सरी तैयार करके फूल गोभी की आप मक्के के अंदर भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फूल गोभी का जो फूल का साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्प्रिंग पर ध्यान देना होगा, समय समय पर सिंचाई करेंगे तो फूल गोभी से भी अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो फूल गोभी के जो रेट हैं वो 50 रुपये से लेकर 70 रुपये प्रति फीस हमको रेट देखने के लिए मिलेगा। रेट बहुत अच्छे हैं, पैदावार भी कम होती है तो आमदनी हमको अच्छी मिल जाएगी। बाकी मक्के से तो हम उत्पादन आमदनी निकाल ही सकते हैं। मेथी की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कम से कम टेम्परेचर पर या फिर मक्के की फसल एकदम तैयार भी हो गई और स्पेस है तो वहाँ पर मेथी की बुआई कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी और कम से कम छाव पर, न्यूनतम टेम्परेचर पर भी जो मेथी की फसल है वो आसानी से ग्रो ले लेती है। पूरी की पूरी धूप ना भी लगे तो अभी, यानी हल्की फुल्की धूप पर भी यह जो फसल है मेथी की, यह सब्जी तैयार हो जाती है। गर्मियों के दिनों पर जो मेथी के बाजार भाव हैं वो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये कम से कम रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गर्मियों के दिनों पर आप मक्के के साथ इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इन फसलों को, इन सब्जियों को उगा सकते हैं। यदि आपके मन में डाउट चल रहा है कि भिंडी के अंदर हम कौन कौन सी फसलों को, कौन कौन सी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, तो वह वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पर वह वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आपने पूरा वॉच कर ही लिया है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।